गाइस ब्लॉग आज के ब्लॉग में मैं दिखाने जा रही हूँ। देखिए मेरा घर का जो है सफाई मैंने कर लिया क्योंकि सुबह से स्कूल चले गए हैं। इसके बाद जो है सो मैंने देखा मेरा जो मिर्ची का पौधा था पूरा तरह से जड़ उसमें भरा हुआ था, तो इसमें उसे पत्ते को जड़ को साफ कर दिए हैं। आज मैं पूरा आपको दिखा दूँ। अगर मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब शेयर करें रिंकू ब्लॉग और न्यू रिंकू ब्लॉग को। धन्यवाद। जय हिंद। आगे देखने चैनल पर बने रहे। तो देखिए दोस्तों ये मिर्ची का पौधा है। मिर्ची के पौधा का मैंने कितना बड़ा बड़ा था जिसका जड़ जिस टाइप से ये दिख रहा है उसी टाइप से इस साइड का भी पौधा था, तो मैंने सभी का जड़ साफ कर दिया। देखिए कितना घना हुआ है, इसको भी छोटे छोटे टुकड़े काट देंगे नीचे वाले तो ये फ्रेश हो जाएगा। और देखिए मैंने इधर भी साफ किया, कितना सारा इसमें से कचरा निकला हुआ है, ये सभी अभी फर नहीं रहा है मिर्ची, इसलिए मैंने काट दिया, इसको तोड़ दिया है। वही देखिए अब जड़ कितना साफ साफ दिखाई दे रहा है जिसमें कितना पौधा है कितना पौधा नहीं है। और सभी महवा लेगा तो मुझे जल्दी फड़ेंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे में मेरी बड़ी बेटी लटकी हुई है, वो भी अमरूद के पेड़ पर। ये देखिए इसको मैं बोली पढ़ने के लिए तो ये अमरूद के पेड़ पर चढ़ गई है और ये जंगल झाड़ के आगे में खड़ा हो रखी है। हम बोले इसे उतरने के लिए, उतरने के लिए तैयार नहीं हो रही है। ऐसे देखिए ये छोटी वाली को देखिए, ये टेबल लेकर का आई है, इसका दांत तो पूरा खुला हुआ है टूटा हुआ है, लेकिन ये इसको माथे पर लेके आई है इसको उतारने के लिए टेबल। अब ये माथे पर लेके उसको उतारेगी दोरे टेबल, फूल नहीं टूटना चाहिए। अब ये देखिए ये उतरेगी इस पर से, जब इसको पेड़ पर नहीं चढ़ना आते उसे नहीं उतरना चाहिए, लेकिन तभी भी ये चढ़ गई पेड़ के ऊपर में। मैंने सोचा इसे दो घंटे के लिए छोड़ देती हूँ लेकिन फिर चाहे उतार देती हूँ तो पढ़े, क्योंकि कल को ना एग्जाम है। अब ये चली गई इधर। अब वो देखिए उस साइड से। अगर मेरा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब शेयर करें। आप देख रहे हैं रिंकू ब्लॉग यूट्यूब। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। हेलो गाइस, देखिए मेरा गैस खत्म हो गया है तो मैं इस पर रोटी बनाने जा रही हूँ ईटा का, क्योंकि दो तीन दिन हो गया है गैस खत्म हुआ। अब छोटा वाला चिल्ली पे जलाई थी लेकिन वो भी गैस खत्म हो गया, इसलिए अब मैं ईटा जोड़ करके चूल्ही बनाई हूँ, इस पर मैं रोटी बनाऊंगी। ज़्यादा मेरा साथी नहीं है इसलिए पन्नी से मुझे बनाना पड़ेगा। और देखिए मेरा चूल्ही जो है वो लहर रहा है धीरे धीरे करके। अब मैं पूरा दिखाती हूँ आपको, देखिए इस साइड से आप यहाँ पर गैस की परेशानी ज़्यादा हो रखा है मुझे, तो इधर मैं गैस पर खाना बना, गैस खत्म हो गया इसलिए चूल्ही पर ईटा रखा। अब देखिए धीरे धीरे सभी पन्नी जला करके मुझे बनाना पड़ रहा है। गैस वाला का फोन किया, वो बोल रहा आ रहा हूँ, अब कितने देर में आएगा फोन माने नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि चूल्ही पर ही रोटी बना लेती हूँ। पहले रोटी को हम पीस में कटिंग कर देंगे यहाँ तक, तो जिससे रोटी बनाने में आसानी होगा। इसी तरह से हम सभी रोटी को बना लेंगे। गैस खत्म होने के बाद बहुत परेशानी बढ़ जाता है ज्यादा करके, इसलिए मैंने पहले से ही पनीर का रास्ता किया हुआ था जिससे मुझे कमी ना हो, इसलिए देखिए अब हो गया ये रेडी। इसको हम तो मैं अब रोटी बना रही हूँ। ये मेरा लकड़ी का बेलना है जो टूट गया था, मैंने सेट किया था और एक मिनट हो गया इसका बेलना।
रोटी रसगुल्ला रखी है। नमस्कार दोस्तों, देखिए मेरा गैस खत्म हो गया है तो मैं रोटी बना रही हूँ इकरा के चूल्हे पर। ये भी चूल्हे जल नहीं रहा है, गर्मी ज्यादा लग रहा है। ये देखिए गर्मी से मेरा बुरा हाल है, गैस खत्म है, बहुत दिन दो तीन दिन हो गया है। बन कर दिया गाड़ियों के वीडियो में देखे। लकड़ी नहीं है, गत्ते से खाना बना रही हूँ। गत्ता खाए खत्म हो गया, अब गत्ता लेके आना पड़ेगा। टिप्पियों लेके आइयो। बड़ा समस्या गैस, गैस खत्म, चूल्हा पर खाना बनने में इतने टेंशन है। देखो कबूतर देखिए ऊपर से बार बार बुती है जाए। चूल्हे तो हम फेरे दे, चूल्हे रहे तब बात करिए। मैं धुआँ ले रोटी बना। हाँ देखी रोटियों नहीं बन रही। लेकिन ये भेल हमार खोटी बन गए न सब्जी के जे हाल पसीना आवे छे।
गैस खत्म भेल मास्टर के एगो बड़का परेशानी बढ़ जाए जब देखी तब गैस खत्म ही हेत रहे गतला किया न गई इन लोग ऊ नहीं गई ऊ मारे दूसरा गतला किया और मुंडा की है देखो तल का ना छै चलो तक ये लाने दो ले लो लहरते तब आगू करब नहा क्या दी फिर से बना लिया तू अपना से रोटी देखी जाए ते देखियो दोस्तों दोस्त ओ खाना बनबे में बड़ परेशानी है या चूल्ह पर खाना बनना पड़े ओहो में ईटा के बनबे पड़ल बड़ टेंशन यह ते गैस तीन दिन से खत्म भए गेल यह और हमार बेटी के हमार बोली केहन लागल केहन वीडियो लागल हमरा चैनल पर सब्सक्राइब शेयर कए के बताओ कमेंट में लिखब तो केहन वीडियो लागले देखियो खत्म भेल यह आवाज नहीं आबै छै आवाज आ बार बार देखियो गैसो खत्म भए जाइए हमर मतलब जर्निए सठि जाइए देखिए दोस्तों मेरा खाना बन के रेडी हो गया है ईटा के चूल्हे बिना खाना बनाया था देखिए चूल्ही किस तरह का है क्योंकि मेरे पास था तो मिट्टी भी नहीं है और दूसरा कोई व्यवस्था नहीं था जिससे मैं रोटी बना सकूं तो इसलिए मैंने सोचा मेरी सब्जी बनी हुई है आधी पकी हुई है आधा पक कर रेडी है थोड़ा सा काम सजा हुआ है लेकिन वो चलने वाला है लेकिन और ये देखिए जो मेरा ये तो देखिए मेरा रोटी बन के रेडी हो गया है अगर मेरा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके आप देख रहे रिंकू ब्लॉग यूट्यूब धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे वंदे मातरम जय हिंद।
Thank you.
छिलका उधर की मैं दबी आम ओके मेरे।